जय श्री राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MT ज्ञान गंगा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल में जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस चैनल का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। आप हमारे चैनल पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं जो आपको जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर काम आ सकती है। संसार में हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ खामियां तो कुछ अच्छाई होती है। सुखी और सुकून का जीवन चाहिए तो अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लें, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं गहन अंधकार में हाथ में जलता हुआ दीपक लेकर चल रहा हूं, जिसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। तब क्या लोगों को यह बताने की जरूरत पड़ेगी कि मेरे हाथ में जलता हुआ दीपक है? शायद ऐसा करना निरर्थक होगा, क्योंकि हर किसी को दीपक का प्रकाश दिखाई दे ही रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ गुण हैं, तो हमें स्वयं जग जाहिर करने की क्या जरूरत? हर किसी की दृष्टि में हमारे गुण स्वयं एव दिख जाएंगे। सिर्फ इतना करना है कि फल लगने पर जैसे टहनियां झुक जाती हैं, वैसे ही गुण धारण करते ही हमें भी विनम्र हो जाना है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या के समान है। स्वप्रशंसा और आत्ममुग्धता में लीन व्यक्ति हो या समाज कदापि उन्नति नहीं कर सकता। स्वयं अपनी प्रशंसा करना या दूसरों के मुख से प्रशंसा सुनने की इच्छा रखना, दोनों ही अपने अस्तित्व को ईश्वर की महिमा से अलग करना है। संभवतया इसीलिए हमारे आचार्यों ने कभी स्वयं प्रशंसा नहीं की। हमारे द्वारा किया गया अच्छा काम स्वयं ही हमारी अच्छाइयों को रेखांकित करता है। जब हम स्वयं अपने मुंह से ही कहते हैं कि मैं अमुक अमुक कार्य करता हूं या मैंने इतने काम किए हैं, तो इसमें हमारा अहंकार झलकने लगता है। श्री रमण महर्षि का कहना है कि समग्र शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना सरल है, लेकिन स्वप्रशंसा के भाव को अपने हृदय से निकालना अत्यंत कठिन है। मैंने कितना अच्छा किया, यह सोचने या कहने पर जब हम अपने को विशिष्ट समझने लगते हैं, तो इस गर्व रस के पीछे केवल यह दंभ ही है कि मैं कुछ हूं, बहुत कुछ हूं। पाश्चात्य संस्कृति इसी स्वप्रशंसा के साथ साथ पर निंदा के मनोविज्ञान पर टिकी हुई है, जबकि भारतीय संस्कार हमें शिक्षा देते हैं, अवगुण अपने देखो और गुण दूसरों के। एक कौवे को बड़े परिश्रम से एक रोटी मिली। वह पेट डेज की टहनी पर बैठकर जैसे ही खाने लगा, उस पर नजर गड़ाए एक सियारिन ने रोटी पाने की कोशिश में उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे कौवा, तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारा रंग बड्ढा मनमोहक है। तुम्हारे दोनों पंख मनोहर हैं। तुम्हारी आवाज तो इतनी मधुर है कि उसे सुनकर मेरे कान तृप्त हो गए हैं। प्रशंसा से प्रसन्न हो, कौवे ने कांव कांव की आवाज निकाली। आवाज निकालते ही उसके मुंह में दबी रोटी नीचे गिर गई। सियारिन ने उस रोटी को उठाया और वह भाग गई। अक्सर लोग अपना कार्य साधने के लिए हमारी झूठी तारीफ कर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेते हैं। आत्म प्रशंसा ने ययाति के तप फल समाप्त कर दिए, वह स्वर्ग से गिरा दिए गए। इसीलिए कहा गया है कि आत्म प्रशंसा से दूर ही रहना चाहिए। स्वयं अपनी प्रशंसा करेंगे तो पुण्य का क्षय तो होगा ही, पतन भी हो जाएगा। स्वप्रशंसा से लोगों के मन में हमारी छवि अच्छी नहीं बनती, अपितु ज्यादा स्व प्रशंसा करने वाला व्यक्ति स्वयं को उपहास का पात्र बना लेता है। यदि समय रहते इस आदत पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो यह हमारे स्वभाव का हिस्सा हो जाती है। स्व प्रशंसा और परनिंदा से जिस दिन हम ऊपर उठ जाते हैं, उस दिन ही हम देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आगे आने वाला नॉलेजबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।